मैं रुक जा अबे गिर जाऊंगा भाई। हेलो गाइज, मैं हूं अमित। गाइज, हम लोग तो नए अजीबोगरीब मस्त मस्त मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं और आज भी हम ऐसा ही कुछ मज़ेदार करने वाले हैं। क्या करेंगे भाई, आपने वो बाइक देखी है हार्ले डेविडसन, जिसका आगे का जो हैंडल होता है काफ़ी लंबा होता है, क्या गजब लगती है वो बाइक। तो आज हम लोग वही चीज़ बनाने वाले हैं लेकिन साइकिल के साथ में। यहाँ पर आप लोग देखो, नॉर्मल साइकिल है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका जो हैंडल है उसको हम काफ़ी लंबा कर देंगे। और साथ ही साथ में दूसरी चीज़ ये है, दिखाना, हमारे पास में यहाँ पर है छोटे छोटे साइज के टायर, ये नैनो टायर्स लगाएंगे आगे और पीछे दोनों जगह। देखते हैं क्या मस्त लुक आता है और किस तरीके की साइकिल चलती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अगला जो टायर है वो लगाने के लिए एक्सटेंशन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए भाई हम यूज करेंगे इस तरीके के 1x1 इंच के पाइप का। तो इनको काटते हैं सबसे पहले। तो भाई अगला टायर आ गया बाहर। तो भाई ये आ गया पीछे का टायर बाहर। तो भाई अब लगाते हैं इसमें ये छोटा वाला टायर, रख दो। इसको तो भाई यहाँ पर जो फ्रंट टायर है वो लगाते हैं इसके ऊपर, और हमें जो है बाहर की तरफ भी ये वॉशर यहाँ पर चाहिए होंगे। तो भाई अब तो एक ही चीज बच गई, इसमें पेंट करना। ब्लैक कलर करेंगे आगे वाले पोर्शन पे। दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए जो बाइक का फाइनल लुक है वो क्या लग रहा है। और भाई साहब सच्ची बताऊं तो जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं भयानक, उससे कहीं खतरनाक इसका लुक लग रहा है। आगे का जो हिस्सा है ना, यहां से देखो यार ये क्या मसीह लगती है। और भाई साहब इसको कितना ही देख लो, इसको देखते ही रहने का मन करता है मेरे भाई। पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां से भी आप देखो जो साइकिल का स्टांस है वो क्या बन रहा है। और जो पीछे का टायर है वो हमने लगाया मिन्नू सा, छोटू सा बिल्कुल, और आगे जो है नॉर्मल टायर ही लगाया लेकिन आगे काफी लंबा है हिस्सा। तो कुल मिलाकर के कितना तगड़ा लुक आता है। और भाई साहब इसको जो भी देखता है ना वो मतलब वो देखते ही रहता है इसको। तो भाई हम चला करके देखते हैं इस अजीबोगरीब साइकिल को कि ये कैसी चलती है। हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा चलाया है लेकिन चल नहीं पाई, पैदल पैदल लेके आया क्योंकि मैं आपको अपना ओरिजिनल रिएक्शन दिखाना चाहता था। और भाई साहब ये तो यार फर्स्ट टाइम में ही काम चलाओ तो चल गई, बैलेंस बन गया यार, क्या बात है। ओ भाई साहब थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है भाई, थोड़ा तेज चलाऊंगा तो शायद। अरे वाह यार भाई क्या बात है, सीरियसली यार मतलब नॉर्मल चल रही है बस इधर उधर ज्यादा भागती है। ओहो यार एक चीज है, इधर उधर ज्यादा भागती है बस। और भाई अगला टायर भी उठ जाता है देखो यार ये क्या पोज है। चलती तो है लेकिन है राम भरोसे ही, मतलब आगे का पार्ट देखो कितना मूव करता है। ओ माय गॉड, मतलब पूरा टायर झुक जाता है बाइक लेकिन गिरती नहीं है गिरती नहीं है यार। और मुझे लगता है कि 10-20 मिनट प्रैक्टिस के बाद में मैं इसको एकदम नॉर्मल चलाऊंगा मजे से। अभी चल रही है देखो क्या बात है। अरे यार देखो आगे का टायर कितना जो है टेढ़ा हो जाता है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि साइकिल गिर जाएगी, बस वो बैलेंसिंग का एक पार्ट है।
भगाऊंगा एक बार। भगाओ, भागो तुम भी भागो। चला आगे से टायर उठ जाता है ना। हाँ देखो, मतलब पूरा टायर देखो कितना झुक जाता है, लेकिन गिरती नहीं है। और भाई पीछे का टायर बहुत छोटा है, इस वजह से देखो मैं बच्चे जैसे पैडल मार रहा हूँ इस पे। अरे यार, लेकिन जो मजा है ना वो तो हैंडल में है सारा। मतलब टायर मेरे से 6 फुट दूर चल रहा है, और चलता कहाँ है, जाती का है। यार मस्त है, एक बात है, थोड़ा भगाने की कोशिश करता हूँ अब। पूरा पैडल घुमा लिया, लेकिन साइकिल तो धीरे धीरे ही चलती है। देखो अभी मैं चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ, लेकिन पैडल छोटे होने की वजह से मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही पैडल में। और भाई साहब हार्ले डेविडसन में भी इतना मजा नहीं आने का आपको। भाई मैं गया ऊपर, खाबड़ में नहीं चलती, पैदल ही ले लेते हैं यहाँ तो। अब प्रैक्टिस हो गई भाई, 10 मिनट की प्रैक्टिस के बाद में अब इसको चलाना एकदम बच्चों वाला खेल है। और आप लोग खुद ही देखो कि मैं कितना स्मूथली, कितना बढ़िया से इसको एकदम मजे में चला रहा हूँ। चला चला उधर उधर भाई, इस पे ये चीज भी काम करती है। अरे रोक ना, गाड़ी आ गई, ओए ओए रोक ना यार। भाई आराम से चलाना। भाई साहब इसमें यहाँ बैठने की जगह भी है, मजा आ रहा है क्या? ओए अबे ध्यान से भाई। गाइस इसमें तो आगे बैठने की बहुत जगह है। अबे यार एक बात है, आगे का बैलेंस बन गया ना, मैं बैठता हूँ, मैं आता हूँ। तो भाई साहब ये जो साइकिल है ना यार, एक बात बताऊं, चलने में क्या मस्त लगती है, लेकिन भाई जो आगे का हिस्सा है वो काफी लंबा लगता है, और इस वजह से सीखने में 2-5 मिनट तो लगती है, इससे ज्यादा नहीं लगती। लेकिन चलाने में जो मजा आता है ना, कसम से बहुत ही ज्यादा आता है। तो अगर आपको इस वीडियो देखने में मजा आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको और ऐसी मस्त मस्त वीडियो चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द इसी तरीके की वीडियो, मजेदार और इसी एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।